आज शाम को सब कुछ राउंड वन का आपका फिनिश होने वाला है। बेसिकली आज 4:59 पे आप सभी के पास जो फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है वो हट जाएगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक भी फी पेमेंट नहीं करी है, डोंट वेट टिल द एंड मोमेंट, क्योंकि एंड मोमेंट पे साइट क्रैश हो जाती है। फटाफट से जाके कर लो। आधे से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया है अभी तक, जस्ट रिलैक्सिंग, तो गुड। बाकी कई बच्चे शाम को मुझे मैसेज कर रहे थे कल कि उनको अपग्रेड और फ्रीज का भी बटन दिखने लग गया है। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट तो अपग्रेड कर दो। देखो, आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल जाती है ना, लाइक द फर्स्ट टॉप कॉलेज एज वेल एज द टॉप कोर्स, तब तक आपको अपग्रेड ही करना चाहिए। फ्रीज तो तभी करो जब यू आर लाइक कि ओह मुझे मेरा फाइनली ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स मिल गया है। अदरवाइज आप एक चीज ये भी पूछ रहे थे बच्चे मुझसे कि हम कब तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी आपने अपग्रेड करा, फिर राउंड टू का रिजल्ट आएगा, राउंड टू के बाद आप फिर एक बार अपग्रेड कर पाओगे, फिर राउंड थ्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली दो ही बार अपग्रेड कर सकते हो, एक अभी और एक बाद में राउंड टू के रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। ऑल्सो 7 तारीख यानी कि कल आपको दिखाई देगी वेकेंट सीट मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली वीडियो लाऊंगी कि आपने कैसे अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करना है वेकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब वही आएगी ना तभी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि अच्छा ऐसे करना है मैं प्रेफरेंस रीऑर्डर। देखिए उसमें पता चलता है ना कि इस कॉलेज के इस कोर्स में 0 सीट्स है, तो आप उसको नीचे कर दो और किसी नीचे वाले कॉलेज को ऊपर कर दो, जस्ट टू यू नो सेफगार्ड योर सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मोस्टली 7 तारीख उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीऑर्डर करना प्रॉपर प्रेफरेंसेस को, उनके लिए सबसे ज्यादा मेन है जिनको अभी राउंड वन में कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर आपने अच्छे से कर ली ना प्रेफरेंस रीऑर्डर, देखो स्टार्टिंग में ही आपने प्रेफरेंसेस अच्छे से बनानी थी, बट अगर नहीं हुआ अभी भी आप अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स। उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो आपकी 7 तारीख को ही लाऊंगी जब सीट मैट्रिक्स वगैरह आपके आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू प्रॉपरली डिस्टिंग्विश, ठीक है, उस दिन ही लेके आऊंगी। बाकी अब ये चीज ध्यान से सुनो, ठीक है, जिनको अभी फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है ना, एक चीज ध्यान रखना कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ठीक है। आपने भी देखा है, आपके दोस्तों के साथ भी होगा, आपने दूसरों के कमेंट्स भी पढ़े होंगे, बच्चों के फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिए गए हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने टाइम से क्वेरी नहीं दी, ठीक है, मतलब टाइम से क्वेरी रिजॉल्व नहीं करी, या फिर उन्होंने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स भर दिए थे, या फिर मतलब बहुत सी चीजें, बच्चों के आधे बच्चों के तो डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं हुए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप ऐसी मिस्टेक ना करो, क्योंकि मुश्किल से राउंड टू में आपको कॉलेज मिल रहा है, अब वो भी आपके हाथ से ना चला जाए। इसलिए रखना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक, जैसी क्वेरी आती है तुरंत उसको रिजॉल्व कर दो, सो दैट आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। फी पेमेंट के बाद आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ना जरूर से डाउनलोड कर लेना, बिकॉज दैट विल वर्क एज योर कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड जब तक आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है। प्लस राउंड टू राउंड थ्री में जो भी एडजस्टमेंट होगा ना इन योर फीस, उसके लिए ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, यू शुड हैव अ प्रूफ, ठीक है, विद योर सेल्फ। दूसरी चीज ये है कि कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हम डाउनलोड कहां से करें, तो देखो जब आप फी पेमेंट कर दोगे ना उसके बाद यहाँ पे आपको विड्रॉल का बटन दिखेगा जिसको आपने बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। दूसरा आपको दिखेगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फिर फी रिसीट को डाउनलोड करने का, बस वहां से आपने डाउनलोड कर देना है। आधे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि 16 तारीख को ओरिएंटेशन है या 16 तारीख से कहीं हमारे कॉलेजेस तो नहीं स्टार्ट है, तो गाइस 16 तारीख को आपकी ओरिएंटेशन है, ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डेफिनेटली अटेंड द ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑल द रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड पूरा जस्ट मिलता है कॉलेज कैसे वर्क करता है उसी दिन। ये बार बार रिपीट नहीं होता, ये केवल ओरिएंटेशन वाले दिन ही बताया जाता है, तो आप इसको मिस आउट मत करना। बाकी अगर आप नहीं कर सकते ना, मतलब यू वोंट बी एबल टू अटेंड दोस, तो कोई बात नहीं, उसी दिन वैसे पता चल जाता है, लाइक 16 को ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली है। मे बी अगले ही दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाए, मे बी एक हफ्ते से, दैट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, तो वो ओरिएंटेशन वाले दिन ही आपको पता चल जाता है। तो अपने क्लासमेट्स वगैरह से यू कैन कॉन्टैक्ट, प्लस ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं अब तो व्हाट्सएप पे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी कितने सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आप कौन से कॉलेज में हो, अपना कैंपस टूर दो, कॉलेज टूर दो, तो गाइज आई एम इन साउथ कैंपस, पहले बता देती हूँ, तो आई एम गोना बी गिविंग यू माई कॉलेज टूर ओनली अगर आप कमेंट्स में स्पैम कर दोगे कि कॉलेज टूर चाहिए, कॉलेज टूर चाहिए, ठीक है। अगर आप करते हो तो मैं शाम को 6 बजे वीडियो डाल दूंगी। आज 6 बजे मैं इसे सोच रही थी क्योंकि 5 बजे आप लोग फी रिसीट वगैरह यू नो फी पेमेंट वगैरह करके सब कुछ डन हो जाओगे, अपग्रेड फ्रीज करके, तो आप लोग फ्री हो जाओगे थोड़ा, आपको ऐसा होगा कि चलो अब देखते हैं कि हमारा कॉलेज कैसा है, क्योंकि हमने कर दिया है उसमें हमें मिल चुका है एडमिशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो इफ यू वॉन्ट तो प्लीज यू नो स्पैम कर देना कॉमेंट में एकदम कि यस वी वॉन्ट द कॉलेज टूर। बाकी बहुत मजा आएगा सिंस आई एम जस्ट योर इमीडिएट सीनियर ना, तो मेरा एक्सपीरियंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हाउ कॉलेज लाइफ इज एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी सही से, ठीक है। तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, होप टू सी यू ऑन द ओरिएंटेशन।